दोस्तों, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था फिक्स्ड पार्शियल डेंचर के ऊपर लेक्चर शुरू किए थे, जिसके अंदर हमने उसका बेसिक जो रहता है वो उसके बारे में डिस्कस किया था। सो दिस इज अबाउट दैट। तो आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। सो ये टॉपिक में ही है, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं। सो आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फिक्स्ड पार्शियल डेंचर में से। सो फर्स्ट वन से कह सकते हैं हम कि डायग्नोस्टिक कास्ट, तो उसके डायग्नोस्टिक कास्ट के पर्पस क्या है। सो डायग्नोस्टिक कास्ट ये है, तो डायग्नोस्टिक कास्ट के पर्पस क्या है, तो इसके ऊपर मोस्टली स्मॉल आंसर क्वेश्चन आता है। एक्चुअली ये क्वेश्चन हम इसलिए कवर कर रहे हैं बिकॉज ये कुछ मिसिंग चीजें रहती है, बट एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ओके, सो डायग्नोस्टिक कास्ट का पर्पस देखें तो टू असेस द डायमेंशन ऑफ इडेंचुलर स्पेस। अब इडेंचुलर स्पेस कितना है उसके बारे में जानकारी देंगे। फिर हाइट, रोटेशन, इंक्लिनेशन ऑफ अबटमेंट टूथ कैन बी ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन के लिए कि अबटमेंट टूथ की मॉर्फोलॉजी क्या है या फिर कितना है कैसा है उसके लिए। ओके, देन आफ्टर नंबर, साइज, पोजिशन ऑफ वेयर फैसेट कैन बी सीन। ठीक है, देन आफ्टर फोर्थ पॉइंट इज इट गिव्स एन आइडिया अबाउट ऑक्लूजन एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ अपोजिंग टीथ। इट also guides as determining the amount of occlusal load anticipated from the opposing teeth. मतलब बेसिकली कह सकते हैं कि मॉर्फोलॉजी देखो, मॉर्फोलॉजी देखो, उसका हाइट देखो, रोटेशन देखो, नंबर, साइज, पोजिशन, इंक्लिनेशन या फिर अपोजिंग आर्च का ऑक्लूजल लोड कितना आता है अपोजिंग टीथ पे, तो ये देखो। तो बेसिकली क्या है कि एक डायग्नोस करो, डायग्नोस्टिक कास्ट होता है जिसे, तो छोटी छोटी बातें डायग्नोस करो, लेकिन वो छोटी छोटी बातें बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट में या फिर वाइल डूइंग अ ट्रीटमेंट वो इंपॉर्टेंट होती है। सो इसलिए डायग्नोस्टिक कास्ट इंपॉर्टेंट है। सो दीज आर द पर्पसेस ऑफ द डायग्नोस्टिक कास्ट। इतना एटलीस्ट जितना आपको पता होना चाहिए, तो इसके ऊपर स्मॉल आंसर क्वेश्चन कभी कभार आपको आ सकता है। देन आफ्टर बात करेंगे रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन की। अभी रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन क्यों इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू एफपीडी, तो रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन इसलिए किया जाता है या फिर इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अपन उससे नंबर, साइज एंड लोकेशन ऑफ केरीज डिटरमाइन कर सकते हैं। ये होगा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज एविडेंस ऑफ केरीज बीनिथ द एग्जिस्टिंग रिस्टोरेशन। मतलब उसे हम कह सकते हैं कि सेकेंडरी केरीज, सेकेंडरी केरी के बारे में पता लगा सकते हैं। देन आफ्टर बोन का लेवल क्या है, मतलब अल्वियोलर बोन है ये, सपोज कास्ट है, कास्ट के ऊपर बोन की साइज है, तो बोन का लेवल क्या है ऑक्लूजन, इससे उसका लेवल का पता लगा सकते हैं। क्राउन टू रूट रेशियो ऑफ द अबटमेंट टीथ, क्राउन टू रूट रेशियो ऑफ अबटमेंट टीथ इसका पता लगा सकते हो। बाय द वे इसके ऊपर एमसीक्यू भी आता है, क्राउन टू रूट रेशियो कितना होता है, तो इसके ऊपर एमसीक्यू आता है, तो ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओ कि इसका कितना होता है। मॉर्फोलॉजी ऑफ द रूट roots of the abutment teeth. देखो अगर रेडियोग्राफी कर रहे हैं तो उसके अंदर क्राउन भी आएगा, बोन भी आएगा, रूट भी आएगा, केरीज भी आएगी, प्राइमरी, सेकेंडरी, जो भी हो सब कुछ आएगा। देन आफ्टर क्वालिटी ऑफ एंडोडोंटिक रिस्टोरेशन। अभी एंडोडोंटिक ट्रीटमेंट हुआ है उसका, तो हमें कैसे पता चलेगा ऊपर से कि उसका क्वालिटी कैसा है, या फिर कुछ केरीज है या नीचे थोड़ी स्पेस बची है, या फिर कह सकते हैं कि पेरियोडोंटाइटिस है या फिर पेरियोडोंटाइटिस है, तो इसके बारे में पता लगाने के लिए भी ये इंपॉर्टेंट बात होती है। ओके, देन आफ्टर विड्थ ऑफ द पेरियोडोंटल लिगामेंट स्पेस। अभी यू नो कि पेरियल स्पेस वाइडन रहता है व्हेन इट कम्स टू द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन ऑफ द पेरियल स्पेस वाइडन होता है, पेरियोपैकल इन्फेक्शन होता है, सो इन दैट केस वो पेरियोडोंटल लिगामेंट स्पेस का चेक करने के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इंक्रीज द पेशेंट विद ट्रोमा फ्रॉम ऑक्लूजन। ट्रोमा फ्रॉम ऑक्लूजन क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू व्हाट वी कैन से पेरियोडोंटल। पीरियो में इसके ऊपर सेपरेट एलिक्यू भी आ सकता है, वाइवा के लिए भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, सो ये इंपॉर्टेंट है पीरियो पर्सपेक्टिव से, पीरियो पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ऊपर आएगा, उसको 10 मार्क का क्वेश्चन आएगा, और 10 मार्क का भी आएगा, 3 मार्क का भी आएगा, इसके ऊपर वाइवा भी होगा, एंड देन आफ्टर इसके ऊपर आपको एमसीक्यू भी देखने को मिलेगा, फिर उसका रिसेशन वो सब पीरियो की सीरीज में देखेंगे। बट ये इंपॉर्टेंट है प्रेजेंस ऑफ एनी रूट स्टम इन द एडेंचुलस एरिया। अभी इफ एज ओल्ड पेशेंट है, इन एज ओल्ड पेशेंट होता क्या है कि ज्यादा से ज्यादा टीथ जो होते हैं वो रिजॉर्व हो जाते हैं या फिर इरोज हो जाते हैं, इरोजन होता है उनका। सो इरोजन की वजह से क्या होता है कि क्राउन स्ट्रक्चर जो है, टूथ का जो क्राउन स्ट्रक्चर है, वो क्राउन स्ट्रक्चर तो उसका खराब हो जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू रूट का स्ट्रक्चर, तो रूट का स्ट्रक्चर यस अल्वियोलर बोन के अंदर छुपा हुआ रहता है या फिर दिखता नहीं है, सो इट कैन ऑल्सो सर्व एज अ सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर द पर्टिकुलर लोकलाइज्ड एरिया। सो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भी डायग्नोस करना, एनालाइज करना कि उसका क्राउन है या फिर रूट है या फिर क्राउन ब्रेक हुआ है या फिर केरीज कितने तक है, फर्केशन इन्वॉल्वमेंट है क्या, पेरियोपैकल इन्फेक्शन भी उसके अंदर अवेलेबल है क्या, या फिर देख सकते हैं
गीजर परकेशन के बीच में जो है रेडियोलेशन सीबीडीएल स्पेस है क्या, या फिर एब्सेस सिस्ट है, तेरा फिस्टुला है, साइनस है, फिर ऑस्टियोमेलिटिस है, या फिर तुम्हारा की रिवर्सिबल, वो सब कौन सा एंड कंजर्वेटिव वाला पार्ट, वो सब आएगा उसमें। थिकनेस ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू इन द इरेगुलर एरिया, ये भी आपको पता है क्योंकि बोन तो उसके अंदर दिख जाएगा, तो बोन के हिसाब से आप पता लगा सकते हैं उसका रिलेटिव पोजिशन। सो ये होगा। तो इसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक आते हैं रेजिन बॉन्डेड एफडी, रेजिन बॉन्डेड फिक्स पार्शियल नेचर, नेम इटसेल्फ सिग्निफाइज। ओके, तो ये उसका डायग्राम है कि यहाँ पे इसका ये सपोज यहाँ पे ये कॉन्टेक्स है और उसको इसने अटैच कर दिया, ठीक है, ए और है, उसलिए अपन एंटीरियस यूज कर सकते हैं एस्थेटिक पर्पस के लिए, ठीक है। तो इसके बारे में अगर सवाल आया तो आता है कि रेजिन बॉन्डेड फिक्स पार्शियल डेंचर के इंडिकेशन बताओ, तो इंडिकेशन बताने के क्या बताएंगे, डिफेक्ट फ्री अबटमेंट है भाई, अबटमेंट ही तो कोई डिफेक्ट नहीं, अच्छा है भाई सब बढ़िया। देन आफ्टर सिंगल मिसिंग एंटीरियर टीथ, एंटीरियर फिर प्रीमोलर, अभी एंटीरियर या प्रीमोलर को क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि एंटीरियर के ऊपर सिर्फ एस्थेटिक्स का लोड होता है, कटिंग का होता है, कटिंग अपन मैनेज कर सकते हैं और एस्थेटिक्स होता है, तो फॉर द सेक ऑफ द सिंगल टूथ कि बाजू के टूथ को एबटमेंट टूथ को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए भी आप इसे रेजिन बॉन्डेड कर सकते हैं, ठीक है, आप प्रीमोलर्स में भी कर सकते हैं। समटाइम्स सिंगल मिसिंग टूथ एंड मोलर विद द मिनिमल ऑक्लूजन, अभी ऑक्लूजन लोड नहीं है तो भी लगा सकते भैया, थोड़ा बहुत लोड तो करेगा। प्रेजेंस ऑफ साउंड एबटमेंट ऑन द अदर साइड इन द रेजिन, अभी बाजू के जो टूथ है ये वाला और ये वाला अच्छा वाला है, केजेस नहीं कुछ नहीं, तो मतलब उसे हम अवॉइड करेंगे कुछ ना इंटेंशनल आरसीडी कर, इंटेंशनल आरसीडी करेंगे पेशेंट से ज्यादा पैसे लेंगे, तो वो सब नॉन इथिकल, मतलब वो अगेंस्ट रूल हो जाते हैं थोड़ा बहुत, मतलब इफ नेसेसरी करना पड़ेगा, बट अगर हम अपने हिसाब से अगर बचा सकते हैं तो फिर क्यों अच्छा रात को खराब कर, ठीक है। सो उस पर जोर में अपन सोचेंगे, ठीक है। देन आफ्टर यंग पेशेंट्स विद लोअर रिस्क ऑफ द केरीज एंड लार्ज बल्क चैम्बर, अभी रिस्क केरीज का कम होता है वो तो पता है आपको क्यों होता है, और लार्ज बल्क चैम्बर बेसिक एनाटॉमी में कि जैसे जैसे एज ज्यादा बढ़ेगा वैसे बल्क चैम्बर कम होगा, मतलब एज ऑफ द पेशेंट इज इनवर्सली रिलेशन इनवर्सली रिलेटेड विद द बल्क का चैम्बर, ठीक है, चैम्बर इनवर्स रिलेशन किसका, एज ऑफ पेशेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बल्क चैम्बर, मतलब एज बढ़ेगा बल्क चैम्बर कम होगा, ठीक है, बल्क चैम्बर ज्यादा किसमें होगा, इसमें एज कम होगा, ठीक है, मतलब पीडियाट्रिक पेशेंट में बल्क ऑन रहते हैं, ठीक है, बल्क ऑन और एज के हिसाब से छोटे 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 हो जाते हैं वाला। एबटमेंट विद लेसर देन 50 डिग्री इंक्लिनेशन, अभी इंक्लिनेशन का भी देख लो भाई उसका डिग्री, अभी आपको पता है ऑर्थो में माल ऑक्लूजन होता है, इंक्लिनेशन ऑक्लूजन वो सब, ठीक है, देन एब्सेंस ऑफ द डीप वर्टिकल ओवरलैप, ओवरलेट और वाइट वाला भी देख लो, तो ये आपको पता है। ये तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि मुझे लगता है कि सबको पता होना चाहिए, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द एपीडी जो कॉन्सेप्चुअल स्टडी करते हैं तो हो सकता है कि उनके माइंड से दिमाग से वो छूट जाए, तो उसके ऊपर ये करना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एपीडी के बारे में एंड फिर डिटेल के अंदर उसके अंदर डाइव करेंगे। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, आपको डाउट है तो पूछिए, या फिर आपको क्वेश्चन पूछा उसका आंसर भी नीचे दीजिए, अगर आपको आंसर नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में उससे डिस्कस करेंगे ही। बट ये था आज का लेक्चर फिक्स पार्शियल डेंचर के लिए, और आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।